आपका है idioms, idioms की तरफ मूव करते हैं। बेटेड ब्रेथ, बेटेड का मतलब होता है एंक्शस, एंक्शस का मतलब क्या होता है, आप ऐसे चिंतित हो कुछ होने वाला है, बेटेड ब्रेथ इसे बोलते हैं, ओके ओके है ना, किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, तो किस चीज का, ये बेटेड ब्रेथ कब होगा, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, आपकी सांस कब फूल जाती है ना, जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है या डिसीजन आने वाला होता है, तो बेटेड ब्रेथ कब होगा, जब आपने बढ़िया पेपर दिया और आपका रिजल्ट आने वाला, आप रोल नंबर फिल कर रहे हो, तो आप कहोगे मैं तो नहीं करूंगा फिल कर रहे हो, तो किसी और को बोलोगे आप फिल कर दो भैया, तो वो फिल कर रहा है, तो आपका ऐसे हो रहा है पता नहीं रिजल्ट कैसे आएगा, तो वो जो स्थिति होती है ना वो बेटेड ब्रेथ होती है, बेटेड का मतलब ही होता है एंक्शस, तो चिंतित हो आप, तो आप क्या कर रहे हो, वेट एंक्शियसली अबाउट द रिजल्ट, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी रिजल्ट हो सकता है, मैंने एग्जाम के साथ तो इसको कोऑर्डिनेट किया है कि कोई भी प्रकार का रिजल्ट होता है ना, उसको जब आप चिंतित होकर इंतजार करते हो, क्योंकि आपके चांसेस होते हैं, उन बंदों के क्या चांसेस होंगे जिन्होंने पेपर छोड़ के आए हैं, वो क्या इंतजार करेंगे, इंतजार तो वो करेंगे जो एकदम से नजदीक है या जो फर्स्ट रैंक वाले हैं वो करेंगे, है ना, बाकी लोग तो बस अपना रिजल्ट उनको पता ही होता है, क्योंकि वो पेपर में क्या किया उनको पहले से पता होता है, तो बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है कि रिजल्ट का चिंता के साथ में और ऐसे इंतजार करते रहना, और ये जो है ना, ये जो साइन होता है ना, ये वाला, ये एंक्शियसली वेटिंग का साइन होता है, इस तरह से यस 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 हो जाए बस मेरा सिलेक्शन, ये बेटेड ब्रेथ। आगे चलते हैं, बी निप्ड इन द बड, बड बोलते हैं कली को, निप का मतलब होता है कुचल देना, है ना, यानी कि देखिए कोई भी बीज होता है सबसे पहले वो कली बनता है, कली के बाद में फिर वो धीरे धीरे पौधा और उसके बाद में पेड़ बन जाता है, ठीक है ना, निप इन द बड का मतलब ये हो गया कि बड को ही खत्म कर दो, क्योंकि बड इजी होते हैं, पेड़ को काटना और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना अपने लिए, लेकिन जब जैसे ही कली खिली उसको उस समय ही खत्म कर देना, इसका मतलब है कि बुराई जब पनपती है ना, यहाँ पे जो बड है ना, यहाँ बुराई का प्रतीक है इसमें, कि जब बुराई बन रही है ना उसी समय उसको कुचल दो, क्योंकि जब वो पेड़ बन गई ना तो उसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, वो बहुत स्टर्डी हो जाता है और वो कट ही सकता है, ठीक है ना, और बहुत मुश्किल होती है, तो बी निप्ड इन द बड का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय अ थिंग वेरी बिगिनिंग, जब शुरुआत हो रही है किसी चीज की उसी चीज उसी समय क्या कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, जनरली किसके लिए आता है, कि बुराई के लिए आता है, कि बुराई जैसे जैसे शुरू होती है ना उसी समय उसको खत्म कर दो ताकि आगे छुटकारा मिल जाए, निप इन द बड का मतलब वैसे है कि शुरुआत में ही क्या कर देना, उसको खत्म कर देना, उसको बनने ही नहीं देना, जैसे कई बार क्या होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेट ब्लूमर होते हैं, लेट ब्लूमर का मतलब वो बाद में उनकी प्रतिभा पता चलती है, ठीक है ना, ऐसे विद्यार्थियों पर क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अगर उनको निप इन द बड कर दिया या कह दिया का मतलब उनको उनकी जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस है उनको या टैलेंट को जाने बिना ही हमने क्या कर दिया, उसको स्कूल से निकाल दिया, तो इसे निप इन द बड कहेंगे, क्योंकि हो सकता है वो आईएएस बने आगे चलकर, लेकिन वो जैसे ही पढ़ना शुरू किया आपने उसी समय उसको कुचल दिया, तो समटाइम्स ये बुराई के लिए ज्यादा एसोसिएट होता है लेकिन और चीजों के लिए भी एसोसिएट हो सकता है, तो बी निप इन द बड का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय करना किसी भी चीज को जब वो शुरू हो रही है तभी, तो जैसे कली बीज से थोड़ी कली निकली उसी समय आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उस संदर्भ में ये है। आगे है बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ, सिल्वर स्पून है ना, देखिए चांदी की चम्मच से कितने लोग है जो खाना खा रहे हैं, देखिए चांदी की चम्मच से खाया नहीं जाता खाना, चांदी की चम्मच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ चांदी की चम्मच है, इसका मतलब है कि उसके जितने भी बर्तन होते हैं ना खाना बनाने और खाना परोसने वाले सारे चांदी के होते हैं, अब ऐसे व्यक्ति जो चांदी के बर्तनों में खाना खाता है तो ऐसे व्यक्ति तो रिच ही होते हैं, है ना, हम तो नहीं है ना आम जनता है, हम तो पता नहीं कौन सी चम्मच होती है उसी से खा लेते हैं, चांदी से तो बिल्कुल नहीं खाते, और सोना तो मतलब भी नहीं है, सोने वाले तो बहुत कम होते हैं, तो बॉर्न विद यानी कि जन्म किसी बच्चे का इसका ऐसा हुआ है, चांदी के चम्मच उसके मुंह में ही है, चांदी के चम्मच मतलब पहले से ही उसकी फैमिली कैसी है, प्रेस्टीजियस है, बहुत पैसे वाली है, तभी तो चांदी का चम्मच उसके मुंह में उसके साथ में जन्म हो गया, अब जन्म तो वैसे तो नहीं हो सकता लेकिन फिगरेटिव है कि बच्चे को शुरुआत में ही उसका लालन पालन कैसे होगा, बड़े रिच खानदान में उसने जन्म लिया है तभी उसके लिए क्या बोलते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, तो क्या हो गया टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, क्योंकि सिल्वर स्पून है
जिसे वो फीड करवा रहे हैं इसका मतलब है वो फैमिली रिच है। अदरवाइज आपने देखा होगा सिल्वर स्पून से जनरली हम भी करवा देते हैं, लेकिन बच्चे को वो स्पून भी बहुत पतली और बहुत ही सस्ती वाली लेकर आते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं रिच वाले, इनके तो सारे बर्तन ही चांदी के होते हैं, उनका कहना ही क्या। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे घर में जन्म लेता है या जिसके लिए हम बोलते हैं कि ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, कि उसका तो जन्म ही चांदी के चम्मच मुंह में लिए हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जन्म ऐसी फैमिली में हुआ है जो बहुत रिच है और बहुत पैसे वाली। आगे है बी इन द ड्राइविंग सीट। देखिए दो सीट होती है, एक तो पीछे वाली सीट होती है और एक आगे वाली सीट। ड्राइविंग सीट का मतलब ये होता है कि डिसीजन मेकिंग ड्राइवर को ही करना पड़ता है, और ड्राइविंग सीट का मतलब है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। क्योंकि ड्राइवर अगर मान लीजिए बस में कोई बैठा है और वो ड्राइवर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, सबको ले बैठेगा, सबको मरवा देगा, ये हो सकता है। तो ड्राइविंग सीट का मतलब है एक ऐसी सीट जिसमें क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ड्राइविंग सीट पे बैठने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करना। अच्छा बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट होता है वो क्या होता है, बैक सीट ड्राइवर भी होते हैं कुछ, अरे भैया इधर से लो इधर से लो, नहीं 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 ये धीरे चलो, वो देखो अभी टकरा जाता, ऐसे पीछे से बोलते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर चल रहा है यार ड्राइवर को चलने दो, ही नोज व्हाट टू डू, वो ड्राइव कर रहा है आप बैठे हो आपको पता थोड़ी ना कैसे होता है, लेकिन कुछ लोगों को कहने की आदत होती है। तो बैक सीट ड्राइवर इसे बोलते हैं, ये भी एक idiom है। इसका मतलब है कि बिना मांगे सलाह देना, बैक सीट ड्राइवर का मतलब है कि टांग अड़ाना और बिना मांगे सलाह देना। तो दोनों ही idiom याद कर लो, बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब है कि ड्राइवर जो चला रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही भैया। तो ड्राइविंग सीट अगर आप कहते हो कि मैं भाई मेरी कॉलेज में मैं ड्राइविंग सीट पे था, इसका मतलब मैं एक बहुत बड़े ओहदे पे था जिसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। और बैक सीट ड्राइवर का मतलब बैक सीट कभी नहीं हो सकती ड्राइवर की, लेकिन वो ड्राइवर की तरह बोलते रहते अरे भैया सीधा लो, अरे इधर लो, कुछ लोगों को ऐसे बहुत आदत होती है अभी ब्रेक लगाना था धीरे चलो, ऐसे बोलते ही रहते हैं वो। तो ऐसे जो होते हैं ना वो पंगा ही करते हैं और डाइवर्ट कर देते हैं ध्यान, ऐसे बिना मांगी सजेशन देने वाले लोगों को बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। आगे है बी इन द टून विद, टून का मतलब होता है धुन में, बी इन द मतलब किसी की धुन में हो जाना, तो किसी की धुन में हो जाना का मतलब क्या हो गया कि मैं भाई किसी की धुन में चला गया, इसका मतलब हो गया कि इन अग्रीमेंट और मूड, यानी कि उसके अग्रीमेंट उससे सहमत हो जाना, जो वो बोल रहा है ना वो ही मैं सुन रहा हूं और वह ही मैं समझ रहा हूं, कि वो तो उसकी धुन में नाच रहा है। तो धुन में नाचने का मतलब ये हो गया कि जैसा वो बोल रहा है ना बंदा वैसे ही वो कर रहा है, ठीक है ना। बी इन द टून विद का मतलब हो गया दोनों में एक जैसा समझौता है, सामंजस्य है, उस स्थिति में बोलते हैं इसको। बेयर फ्रूट, बेयर का मतलब लगने से है या होने से है, फ्रूट का मतलब इस पेड़ पे फ्रूट लगते हैं, इस पेड़ पे फ्रूट लगते हैं, इसका मतलब हो गया ये जो पेड़ है ये जो व्यक्ति है वो क्या देगा, गुड रिजल्ट देगा। क्योंकि देखो पेड़ों की महत्ता तभी है जब उसमें फ्रूट लगते हैं, है ना, फ्रूट लगते हैं तभी वो अच्छे लगते हैं अपने को, अदरवाइज पेड़ होते हैं जो फ्रूट नहीं देते हैं उनसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन फ्रूट वाले जो होते हैं उनका ध्यान भी हम ज्यादा रखते हैं। तो इसका मतलब घर में जो व्यक्ति होता है ना जो बढ़िया पढ़ता है और जिससे हमें एक्सपेक्टेशन होती है और वो जॉब लगता है, जॉब लगने के बाद में, तो उस व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं दिस पर्सन बेयर फ्रूट्स। बेयर फ्रूट्स का मतलब इस पेड़ पर क्या लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति गुड रिजल्ट देता है। तो बेयर फ्रूट्स का मतलब गुड रिजल्ट देना, ठीक है ना। अब जिन पे जो जॉब नहीं लगते हैं ना वो बेयरलेस वो कह सकते हैं पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ जो फ्रूट नहीं देते तो उनकी कोई वैसे इज्जत नहीं होती जनरली घर में भी। तो ध्यान रखो अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो ना तो भी उसको शिद्दत से करो, घर पे बैठना सही नहीं है। तो बेयर फ्रूट्स इस पेड़ के फ्रूट लगते हैं, इसका मतलब है कि ये हमेशा गुड रिजल्ट देता है, जैसी एक्सपेक्टेशन होती है उतना रिजल्ट देता है। बेयर द ब्रंट ऑफ, ब्रंट का मतलब है कि किसी भी चीज, कोई भी मान लीजिए पार्ट है वो किसी चीज को झेलता है उसे बेयर द ब्रंट ऑफ बोलते हैं। ब्रंट का मतलब बर्न से आप कर लीजिए, आप ब्रंट ऑफ, ये ब्रंट ऑफ है, ब्रंट ऑफ से जोड़ लीजिए कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है वो जल गई, है ना। हालांकि ये ब्रंट का मतलब अलग होता है, बर्नट का मतलब अलग होता है, बर्नट का मतलब जलना होता है, ब्रंट का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई स्पेशल उसका पार्ट होता है वो किसी चीज को झेलता है, किसी मुसीबत को झेलता है या खराब हो जाता है उसको बोलते हैं। लेकिन आप इसको एसोसिएट कर सकते हो याद करने के लिए बर्नट से, जलने से, कि भाई किसी चीज को जल, कोई चीज है उसका कोई पार्ट जल गया,
और उसको बेयर करना, उसको सहन करना, महसूस करना। तो बेयर द बर्न ऑफ का मतलब है बेयर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। जैसे मान लीजिए ये वाली है, तो बेयर द बर्न ऑफ का मतलब इसका ये पार्ट है, ये जल गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इस पेन का या इस पॉइंटर का ये वाला पार्ट है बेयर द बर्न ऑफ का मतलब इसने सबसे ज्यादा मार झेली है, ये सबसे ज्यादा खराब हुआ है। क्योंकि जब ये चलता है ना तो सिर्फ ये वाली निब ही काम में आती है। तो ये निब बेयर द बर्न ऑफ का मतलब है ये इस पेन का जो ये वाला पार्ट है ये सबसे ज्यादा इसने अनप्लेजेंट चीजों को सहन किया है। क्योंकि इस पे चलती है तो रगड़ से ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बेयर द बर्न ऑफ का मतलब है बेयर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग, कोई भी ऐसी चीज है जिसका मेन पार्ट को किसी ने सहन किया है जो कैसा होता है, अनप्लीजेंट होता है। हालांकि अपने लिए तो ये प्लेजेंट है, ये काम कर रहा है। बीट है हैस्टी रिट्रीट, इसके पीछे भी एक लॉजिकल कहानी है। बीट हैस्टी रिट्रीट का मतलब 13वीं शताब्दी में क्या हुआ करता था, जब युद्ध होते थे ना तो पुराने समय में बहुत बढ़िया तरीके, आपने रामायण देखा हो कि शाम के समय क्या होते थे कि जो सैनिक है वो युद्ध नहीं करते थे, अपने अपने टेंट में चले जाते थे, युद्ध विराम होता, सुबह वापस क्या होते जैसे ही सूर्योदय तो युद्ध के लिए वापस तैयार हो जाते। तो युद्ध का एक सिस्टम हुआ करता था पुराने समय में, आजकल वो सिस्टम फॉलो नहीं होता। तो बीट हैस्टी रिट्रीट का मतलब शाम के समय क्या होता था कि बुग बिगुल या कुछ ढोल वगैरह बजाए जाते थे, और इसका मतलब है कि अब शाम हो चुकी है और अब युद्ध नहीं होंगे। तो बीट हैस्टी रिट्रीट का मतलब है जल्दी से वो क्या चले जाएं अपने अपने टेंट्स में। तो बीट हैस्टी रिट्रीट का मतलब अबैंडन और रन अवे फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन। डेंजरस तो थी वो, क्योंकि लड़ाई का मैदान है वो डेंजरस है, और वहां से ढोल बजने की आवाज से ही वो सारे लोग कहां चले जाते हैं, अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं। तो बीट हैस्टी रिट्रीट का मतलब हो गया ऐसे स्थान को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर जाना जहां पर वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। अबैंडन का मतलब छोड़ के चले जाना, रन अवे का मतलब भाग जाना। बीट अबाउट द बुश, देखिए ऐसी ही कहानी एक और है कि हंटर्स जो होते थे ना पुराने समय में, वो क्या करते कि बीट अबाउट द बुश, वो चिड़िया जो होती थी ना, चिड़िया का अगर शिकार करना तो चिड़िया दिखनी तो चाहिए ना, चिड़िया क्या करती झाड़ियों में छुप जाती। अब क्या करते हंटर्स आते, वो झाड़ियों को क्या करते पीटते, और झाड़ियों को पीटते तो वो पक्षी ऐसे सोचते पता नहीं क्या हो रहा है, वो इस तरह से बाहर निकलते, और बाहर निकलते हंटर शिकार कर लेते। बीट अबाउट द बुश का मतलब ये हो गया कि अगर वो सामने सीधे दिखते तो सीधा शिकार हो जाता। तो अब हंटर्स ने कैसे किया, घुमा फिरा के शिकार किया, उनको पहले बाहर निकाला और बाहर निकाल के फिर शिकार किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीट अबाउट द बुश का मतलब हो गया घुमा फिरा के कोई बात कहना। तो वो घुमा फिरा के शिकार कर रहे हैं ना, उसी से ये बन गया कि कोई व्यक्ति है वो पॉइंट पे नहीं आता और घुमा फिरा के बातें करता रहता है जलेबी की जैसे, उसके लिए आता है बीट अबाउट द बुश। कहने का मतलब है टू टॉक अ राउंड अबाउट मैनर, इस मैनर में बात करना घुमा फिरा के जिसका कोई अंत नहीं होता। अंतिम आपका इडियम आज का है बीट द ब्लैक एंड ब्लू। बीट का मतलब होता है पीटना, और कितना पीटना, जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो जाता। देखिए जनरली किसी के थप्पड़ लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा गाल रेड हो जाता है, लेकिन उसके घुसे मारते रहते हैं तो सबसे पहले तो वो होता है थोड़ा नीला, फिर पहले हरा होता है थोड़ा, फिर थोड़ा नीला होता है, फिर दोनों का मिक्स होता है, फिर अंत में वो काला पड़ जाता है जहां से उसको पीटा गया है। तो ब्लू और ब्लैक होता है ये एक्सट्रीमली लेवल पे पीटा जाता है ना, तभी ये निशान होते हैं, अदरवाइज तो रेडिश हो जाता है। तो बीट द ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है बुरी तरह से मारना, एकदम सिमिलर निकल रहा है। तो बीट मर्सीलेसली, निर्दयता से किसी को पीटने के लिए आप क्या होगे बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो फिर से देखो बैथिट ब्रेड मतलब आप एंक्शियसली वेट कर रहे हो किसी चीज का, सांस रोककर आपकी सांसें फूल रही है और ये रिजल्ट आ रहा है। तो बैथिट ब्रेड ये होते हैं सभी, जब आपका रिजल्ट आ रहा है तब। बी निप्ट इन द बड, इसका मतलब है कली बनने से पहले उस कली को डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। कहने का मतलब कोई भी चीज शुरू हो रही है उसको शुरुआत में ही खत्म कर देना। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, किसी बच्चे के मुंह में जन्म से ही चम्मच चांदी का, इसका मतलब वो जन्म से ही क्या है रिच है, रिच फैमिली में उसका जन्म हुआ है। अब आगे देखो को तो कार भी जल्दी मिल जाती है। बी इन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट होती है वो रिस्पॉन्सिबल सीट होती है, उसकी जवाबदेही होती है। तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी जवाबदेही है, आपके पीछे इतनी सारी जान बैठी होती है, उन सभी व्यक्तियों की जान बहुत कीमती होती है। ड्राइविंग सीट का ड्राइव करने का मतलब हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करना। बी इन द टून विद, किसी की धुन में नाचना या धुन में आ जाना, इसका मतलब यही हुआ कि जो व्यक्ति वो मार बोल रहे हैं ना वो सारी बातें आपको एक्सेप्ट है, आप अग्री हो, आप वो जो भी बोलेगा ना उससे आप टोटली अग्री हो, तो उसे बोलते हैं बी इन द टून विद।
बैड फ्रूट्स, ये पेड़ है ये फल देता है, फल देने वाला पेड़ क्या होता है, हमेशा ही सबको प्यारा लगता है, ये तो बात है ही, वो गुड रिजल्ट दे रहा है, अभी तो वो सबको प्यारा लग रहा है। बैड द बंट ऑफ, कोई पर्टिकुलर चीज का कोई हिस्सा जिसने बहुत कुछ सहा है, ठीक है ना, और स्पेशली नेगेटिव वे में, उसके लिए बोलते हैं बैड द बंट ऑफ। तो इस पेन में कोई हिस्सा है जो बहुत ज्यादा सहन किया है, उसने खराब हो गया वो, तो उसके लिए बैड द बंट, क्योंकि ये बहुत यूज आ रहा है। बीट अ हैस्टी रिट्रीट, मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि पुराने समय में जो लोग थे उनको नगाड़े बजा के शाम को बुलाया जाता कि अब युद्ध समाप्त हो गया, तो वो युद्ध वाले स्थान या डेंजरस स्थान को तुरंत छोड़ के काम भाग जाते, अपने टेंट्स में चले जाते। अब रात को क्या गुपचुप के लड़ाई होती थी क्या? चुप के बिल्कुल लड़ाई नहीं होती थी, ये एक तरीका होता था युद्ध लड़ने का, आपने महाभारत या रामायण में देखा भी होगा। बीट अबाउट द बुश, वो क्या कर रहे हैं, बुश को पीट रहे हैं ताकि चिड़ियां बाहर आ जाए और पक्षी बाहर आते हैं वो शिकार कर ले, यानी कि आप सीधा उन पे अटैक कर नहीं सकते, तो सीधी बात ना करके घुमा फिरा के कोई बात कहने के लिए क्या कहते हैं, बीट अबाउट द बुश। बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसी व्यक्ति को इतना पीटना कि उसका चेहरा या उसकी बॉडी पर ब्लैक एंड ब्लू निशान बन जाए, तो ब्लैक एंड ब्लू कब बनेंगे, जो बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है तब बनते हैं, अदरवाइज तो एक थप्पड़ में रेड ही होता है।